जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अहमदाबाद से अगरतला तक, बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। इस साल प्राकृतिक आपदा और कीट के प्रकोप के चलते दुनिया भर में कपास का उत्पादन कम हुआ है। दो साल के बाद कोरोना का असर कम होने से विदेशों में कपास के साथ सूती धागे की मांग बढ़ने से इनके दाम में जबरदस्त तेजी आई है। कपास का भाव पिछले साल के मुकाबले दो गुना है। वहीं सूती धागे की कीमतों में अच्छी बढ़ोतरी हो गई है। कपास का भाव पिछले साल 5500 से 6000 रुपये प्रति क्विंटल था, जो इस बार बढ़कर 12000 रुपये क्विंटल तक पहुंच गया है। पहले सूती धागा 180 से 190 रुपये प्रति किलोग्राम मिल जाता था, वहीं अब बढ़कर 230 रुपये से 280 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है। सूती धागे के साथ अन्य कई तरह के धागों में भी तेजी बनी हुई है। ऐसे में सभी तरह के कपड़ों की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस बार प्राकृतिक आपदा और कीट के प्रकोप के कारण भारत, अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में कपास की फसलों को बहुत नुकसान हुआ। इस कारण इसका उत्पादन भी प्रभावित हुआ। ऐसे में कपास के भाव पिछले साल के मुकाबले दो गुने हो गए। सूती मिलों को पिछले साल 43 से 55 हजार में एक कैंडी कपास मिल जाता था, अब वह 95000 से 110000 में मिल रहा है। ऐसे में सूती धागा तैयार करने वाली मिलों में इसकी लागत भी काफ़ी बढ़ गई है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन भीलवाड़ा, अलवर, जोधपुर, पाली, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में होता है। राजस्थान के अलावा हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी कपास की पैदावार होती है। देश में सबसे ज़्यादा कपास महाराष्ट्र में होता है, लेकिन पिछले साल अतिवृष्टि के कारण महाराष्ट्र और पंजाब में कपास की फसल को नुकसान हुआ। राजस्थान में इस बार 27 से 28 लाख गांठ कपास का उत्पादन हुआ है। एक गांठ में 170 किलो कपास आती है। भीलवाड़ा में आधा दर्जन औद्योगिक इकाइयां सूती धागे का उत्पादन कर रही हैं। इन मिलों में हर साल 2 से 2.5 लाख टन सूती धागे का उत्पादन होता है। इन सभी इकाइयों से करीब 2300 करोड़ रुपए के धागे का विदेशों में निर्यात हो रहा है। उद्यमियों के अनुसार भारत से दुनिया के 3 दर्जन से ज़्यादा देशों में कॉटन और सूती धागे का निर्यात बढ़ा है। चीन, जापान, इंडोनेशिया, इटली, टर्की, इजिप्ट, दक्षिण कोरिया, वेनेजुएला, पेरू, बांग्लादेश, मोरक्को, हांगकांग, ब्राज़ील, पोलैंड समेत करीब 40 देशों में सूती धागे की मांग बढ़ी है। इसके अलावा सूती धागे के दाम में भी उछाल आया है। पिछले साल के मुकाबले इस साल देश से कपास का निर्यात बढ़ा है। वर्ष 2020-21 में 54.83 लाख गांठ का निर्यात हुआ था, वहीं इस साल अब तक 80 लाख गांठ का निर्यात हो चुका है। जानकारों के अनुसार मांग होने से इस बार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कपास के भाव बहुत तेज हुए हैं। चीन भी इस बार बड़ी मात्रा में कपास आयात कर रहा है। भारत में भी कोरोना प्रतिबंध हटने के बाद कपड़ा उद्योगों में कपास और सूती धागे की भारी मांग आई है। सरकार ने दामों पर नियंत्रण के लिए कपास पर से आयात शुल्क को हटाया है। उद्योग जनवरी फरवरी में कपास पर से आयात शुल्क हटाने की मांग कर रहे थे। सरकार ने इस मांग को स्वीकार तो किया, लेकिन कपास का सीजन निकलने के बाद गत 14 अप्रैल को आदेश जारी किए। अब कपास पर 30 सितंबर तक आयात शुल्क हटाने के आदेश दिए हैं। अभी तक कपास के आयात पर 11% टैक्स लगता था। इसमें 5% बेसिक कस्टम ड्यूटी और 5% एग्रो इंफ्रा डेवलपमेंट सेस था। व्यापारियों का कहना है कि कपास पर शुल्क हटा लेने से टेक्सटाइल चेन, यार्न, फैब्रिक, गारमेंट्स को फायदा होता, लेकिन इसकी देरी से घोषणा होने से अभी इतना लाभ नहीं मिल पा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।